एक बुजुर्ग है हजरत पहलोल ताना, नाम है ताना मगर है बड़ा सच्चा दीवाना। जब जब सल्तनत बनी उमैया ने, जब सल्तनत बनी उमैया के जाबिर जालिम बादशाहों ने मुस्तफा के घराने के शहजादों के खिलाफ जुल्म जबर का तूफान मचा रखा, उस मौके पर अगर कोई हिमायत भी करता था तो उसे भी जेल की आली तलाकों के पीछे डाल दिया जाता था। उसी मौके पर हजरत पहलोल ताना भी आशिके अहले बैत थे। जो एक जुमला सुन लो, जो अली को माने, हसन को माने, हुसैन को माने और परेशानी पैदा करे सिद्दीक को उमर के मानने में, उसे राफिजी कहते हैं, उसे राफिजी कहते हैं। और जो हसन और हुसैन को ना माने, सिर्फ सिद्दीक को माने, उसे नासबी और खारजी कहते हैं। और जो सबको माने उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सब मुंह से बोलो, उसको क्या कहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हजरत पहलोल ताना, नाम है ताना मगर वो थे बड़े दीवाना। ताना हो ऐसा के दीवाना हो, अब दीवाना ऐसा हो के बड़ा ताना हो। वो दीवाना नहीं जो ताना नहीं, जो ताना नहीं वो दीवाना नहीं। दीवाने को ताना होना चाहिए और ताने दीवाना होना चाहिए। हजरत बहलोल ताना उनकी प्यारी मुरीदा, हजरत जुबैदा उनके शौहर, तंतनो तबराक के बादशाह हारून रशीद। एक मर्तबा हारून रशीद मगरिब के बाद जब घर पहुंचे, इनकी खूबसूरत प्यारी सलीका मंद थी होश बीवी जुबैदा, सज कर संवर कर घर में बैठी थी, सज कर संवर कर घर में बैठी थी। क्या मतलब? बीवी को शौहर के लिए संवरना चाहिए, बीवी को शौहर के संवरना चाहिए। ये नहीं कि शौहर आ रहा है तो बीवी घर में जैसे तैसे गंजेड़िया की तरह, और जब बाजार निकले तो काफी सज संवर कर। इस्लाम की बेटियों अगर पैगाम सुन रही हो तो सुनो, तुम बाहर के लिए सजने की खातिर नहीं हो, मुकद्दर पे नाज करो, तुम इस्लाम की बेटी हो, अपने शौहर के लिए सवर करो। यहाँ तक के शरीयत का मसला याद आया, अगर किसी के घर में शौहर नहीं हो, सुन रहे मेरी बात, अगर शौहर ना हो और घर में कोई मर्द सूरत भी ना हो, कोई बूढ़ी औरत भी ना हो, और तुम्हारे शौहर का दोस्त आ जाए, खटखटाए दरवाजे को, है मियां जी है फला साहब, तो ऐ फला साहब की औरत बीवी सुन, जब तेरे घर में कोई मर्द नहीं है और मजबूरी है कि तुझी को जवाब देना है तो अपनी आवाज बिगाड़ कर, अपनी आवाज बिगाड़ कर जवाब दे। मान लीजिए कि मेरे घर में आ गए मोहम्मद अली भाई, दरवाजे पे दस्तक दिया, अब मेरी अहलिया को तरन्नुम के साथ नहीं बोलना, तगर्रुम के साथ नहीं बोलना है, लहजे में प्यार नहीं रखना है कि मोहम्मद अली भाई अभी तक मेरे शौहर नहीं है, क्या करूं ना। मैंने अपनी बीवी को कहा खबरदार, जब तुमने मीठी आवाज में बात की, मेरा कैसा भी दोस्त हो मेरा पीर भी क्यों ना आ जाए, मेरा उस्ताद भी क्यों ना आ जाए, कोई शेखुल हदीस भी क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपनी आवाज बिगाड़ कर ही बोलना है। अच्छी आवाज है तो क्या हुआ, इस तरह बोलो, नहीं बाद में आइएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कि औरतों की आवाज भी फितना है, औरतों की आवाज भी फितना है, इसलिए साथी रूठे तो रूठे।
उस्ताद रूठे तो रूठे, बेगम को कह दो जब तुम्हें जब पर्दे में इतना रहने का हुक्म है कि आवाज भी अच्छी ना निकले, कैसे वो मर्द हैं जो अपनी बीवी के साथ बैठते तो अपने दोस्त को भी बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, सीना चौड़ा करते हैं कि हमने अपने दोस्त को अपनी बीवी से मिलाया तो चाय पानी हुआ, और तुझे मालूम नहीं कि तुमने चाय नहीं पिलाया बल्कि इस मिठास की बेहूदगी से एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो कल तेरे रिश्ते पर चोट पड़ सकती है और तेरे रिश्ते में खटास आ सकती है और नतीजे में लाजिम क्या आएगा कि तुम तलाक दोगे वो मुतल्लक हो। अब बीवी तलाक देने की चीज नहीं है, बीवी तो मोहब्बत करने की। मत दो बीवियों को तलाक, बहुत अफसोस। इन दिनों हजरत आलम का जुबारी नवादा में इल्ला माशाल्लाह हर दिन कोई ना कोई केस आता है, हर दिन कोई ना कोई केस आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने जो अपनी बेटियों को मिस्टर मोबाइल दिया है ना, 8 बजे रात जब बेटियां तुम्हारी सोने जाए तो मोबाइल अपने कब्जे में करो, जब तुम्हारे बेटे बिस्तर पर जाए तो मोबाइल अपने कब्जे में करो। बेटियों अभी तुम आराम से सो जाओ ताकि जिंदगी का सुकून तुझे हमेशा के लिए मिलता रहे, और बेटो तुम आसानी के साथ बिस्तर पे नाराज हो जाओ ताकि जब तुम शादी हो जाओ, तुम शादी करो तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे शौहर होने पर फख्र। तो बात कहां से कहां निकली, हजरत जुबैदा, हजरत जुबैदा, जुबैदा सच सवर कर बैठी हुई है, आए बादशाह हारून रशीद, अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद ने सलाम किया, आवाज करके शोहर लोग तो हम सलाम करेंगे, बीवी है हम मर्द है तो कैसा मर्द है जो सलाम का इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अच्छा यार बात, अगर तू मर्द है तो इंतजार क्या करना, हमें एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, कभी दूसरी हिफाजत कर ले कभी वो तेरी, तुम उसका लिबास हो वो तुम्हारा लिबास है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा वजन जब टूट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर मफहूम निकल कर आएगा कि चांद सचेरा, चांद सचेरा फूल से बचे, चांद सचेरा फूल से बचे, माँ की ममता चांद सचेरा फूल से बचे, माँ की ममता घर में है, फिर हम क्यों जाए, फिर क्यों जाए ऐसे वैसे, फिर क्यों जाए ऐसे वैसे, जन्नत का रास्ता घर में, जन्नत का रास्ता। सलाम मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभाई भाई भाई सच सवर कर बैठे, क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बस बोलिए सवाल अल्लाह, अब बुला लो समेत अपने लोगों को। हजरत जुबैदा सच संवर कर बैठी थी, शौहर बादशाह नसीब, क्या बात है जुबैदा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो जुबैदा, सच संवर कर अपने शौहर के खिरमने दिल पर अपने हुस्न की बिजली गिरा रही हो, कहीं जल न जाऊं संभाल, काश घर में बोले होते, कहीं जल न जाऊं संभाल लो, हलचल भाई ये दिन में जुमले से वो हलचल मची है कि घर जाकर यूटिलाइज होगा, एकदम एकदम दोनों भाई साथ में, तो जो है आप तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जुबैदा कहते हैं हां हां मैं खूबसूरत हूं, मैं खूबसूरत हूं, इतने तेवर में जुबैदा ने कहा कि हारून रशीद को कभी कभी मिजाज आदमी का बदल जाता है। हारून रशीद ने कहा इतनी खूबसूरत हो तू, हाँ हूँ, सबसे खूबसूरत हो तू, हाँ हूँ,
अब बीवी जैसी भी हो मगर शौहर के पास उसको इस तरह रहना चाहिए कि शौहर उसकी किसी न किसी अदा से कहे कि सबसे खूबसूरत तो तुम ही हो, मैं हूँ सबसे खूबसूरत। इत्तेफाक से माहे थे चौधरी का चांद निकला हुआ था, चमक रहा था। बेटे तकरीर सुन लो, अल्लाह तुम्हें अच्छी बीवी दे, अच्छी बीवी दे। मौलवी की दुआ में दोनों जादू है, मौलवी का दिल टूट गया तो ऐसी बीवी मिलेगी कि लोग एक संभाल के तुम्हें दो दो मिल जाएगी। बेटे बोला जा फरमाई जुबैदा सबसे खूबसूरत तुम हो। चौधरी का चांद चमक रहा था। हारून रशीद ने कहा, वो जो चौधरी का चांद चमक रहा है उससे भी खूबसूरत हो तुम। बीवी ने कहा, मैं उससे भी खूबसूरत हूं। वाह, इतना गुरूर, इतना घमंड। अगर इतना गुरूर तुम रखती हो कि चौधरी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो, तो जब तक तुम इस पर कुरान या हदीस से कोई दलील नहीं दोगी, मेरा तेरा बिस्तर मैं तुझसे बात करूंगा ना तू मुझसे करेगी। हालांकि सजी थी शौहर, शौहर भी जानता था मेरे लिए सबर कर आई है, मगर ना जाने वो कौन सी घड़ी थी, बात बिगड़ गई। दोनों बिस्तर पर सोए, उधर ये इधर, उधर ये इधर। न उसे नींद आए न इसे नींद आए, न वो सोए न ये सोए। वो सोच रही है मैं क्यों इतना सबर गई, और अगर सबर ही गई थी तो इतने तेवर का जुमला क्यों बोल गई मैं। वो सोचते हैं मेरे लिए तो समर ही गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मगर जो मियां बीवी के दरमियान बंद कमरे में रिश्ता बिगड़ा हुआ है, ज़ुबैदा के पीरो मुर्शिद हजरत बहलोल दादा विलायत की नजर से देखते, विलायत की नजर से देख गए। सुबह हुई, खटपट खटपट खड़ा पहने हुए खटपट 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 हारून रशीद के दरबार में पहुंचने लगे। गेटकीपर दरबार में रोका, कहा अभी हटो, अभी बहलोल दाना जुनून में है। चले गए हारून रशीद बैठे थे कुर्सी पे, जैसे ही देखा बहलोल दाना को खड़े हो। बादशाह ने बताया कि अल्लाह वालों का अदब कैसे, खड़े हो। खड़े होने के बाद हुजूर आप क्यों आ गए, मुझी को बोलते मैं ही आ जाता। कह रहे कुएं के पास प्यासा नहीं आता है कि प्यासे के पास कुआ जाता। कब बात नहीं समझे हुजूर, कब बात ये है कि मुझको ऐसा लग रहा है इन दिनों कि कुरान कुछ भूल रहा हूं। अच्छा कुरान भूल रहा हूं, बस एक बार तवज्जो इस बात पर दो कि गुफ्तगू को समेटूंगा, कुरान में कुछ भूल रहा हूं, सुन लो। तो बादशाह ने कहा कैसी बात करते हैं आप, हर दिन इसी में रहते हैं, आप कैसे भूलिएगा। कहा सुनिएगा बादशाह सलामत के जाओ, कहने नहीं सुनाते आप सुनाने लगे। औद बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लकद खलकनस समाअ फी अहसन तक़वीम। हुज़ूर क्या हुआ, कुछ फिर गलती का है क्या, का हुजूर कौकबा नहीं है, कौकब का माना सितारा, समा नहीं है, समा का माना आसमान, अर्दा नहीं है, अर्दा का माना जमीन, बदरा नहीं है,
चांद कमरा नहीं है, चांद यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने सबसे खूबसूरत कमर चांद को पैदा किया, सबसे खूबसूरत पद मैंने पहली रात के चांद को पैदा किया, ये भी नहीं कहा कि मैंने हिलाल पहली रात के पहले हिस्से के चांद को पैदा किया। अब ये बताओ रब ने क्या कहा? कहा रब ने फरमाया न बदरा कहा, न कौकबा कहा, न समा कहा, न अर्दा कहा, बल्कि लकद खलक नल इंसाना कहा। मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसान को सबसे हसीन पैदा किया। कितना सुनना था हजरत बहलोल कहते बोल, जवाब मिला के नहीं मिला। मेरी मुरीदा ने यही तो कहा था कि मैं चांद से भी खूबसूरत हूँ, मैं चांद से भी अफजल हूँ। देख मेरी मुरीदा ने वही कहा है जो तुरा। अरे तकबीर, नारे रिसाला, दास्तारे हरम कॉन्फ्रेंस। हुआ चाहता है पत्ती दरख्त तीन की कसम, जैतून दरख्त जैतून की कसम, बतूरे सीनी पहाड़ तूरे सीना की कसम, इंसान को सबसे हसीन पैदा किया। इतना हसीन है इंसान, समझ सको समझ सको समझ सको तो अल्लामा इकबाल का एक शेर समझ सको, सबसे बेहतरीन इंसान। अगर इंसान, अगर इंसान जो इंसान है वो हाथ उठा करके अल्लाह हुआ, नहीं जो इंसान है वही बोले, जो इंसान है वही बोले। दाएं बाएं देखिए कौन है जो इंसान अपने आप को ही बताना चाहता है। हाथ उठा दिया तो बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बस बात आई तो थोड़ा समय आगे कर देता हूँ। अगर इंसान मुकम्मल इंसान बन जाए तो फरिश्तों से अफजल, और अगर इंसान इंसानियत से गिर जाए तो शैतान से भी बदतर। इसी को डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में कहा है, ओ रूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते, ओ रूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे टूटा हुआ तारा महका। इतना हसीन पैदा किया, इतना खूबसूरत पैदा किया इंसान, कितना खूबसूरत है इंसान। मगर रब फरमाता है हाँ, जिसे मैंने सबसे खूबसूरत पैदा किया, तुम मारा हमने सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत क्रिएटर सबसे ब्यूटीफुल मखलूक हमने जहन्नम के हिस्से से हमने जहन्नम में डाल दिया। ए अल्लाह, जब तूने इतना अच्छा बनाया तो जहन्नम में क्यों डाला? तब जो तूने जब सबसे खूबसूरत बनाया मौला, तो अगर जन्नत में जहन्नम में डालना था तो खूबसूरत नहीं बनाता, खूबसूरत बनाया था तो जहन्नम में नहीं डालता। तो रब ने फरमाया बनाया तो खूबसूरत था, मगर ये इंसान आदमी न बन सकता। आदमी बनना है मगर इंसान में जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, ईमान भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। जवाब मत दीजिएगा, मगर मेरा एक सवाल होगा, इस 1000 लोगों में क्या 900 लोगों ने नमाज ईशा पढ़ी? 800 1000 लोगों में क्या 900 लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी? अगर जवाब आ है तब तो थोड़ा सा खुशी है, मगर दिल को बहलाने को गालिब भी ख्याल अच्छा, वरना मामला यह है कि 900 आदमी नमाज से गाफिल है।
आप जलसे में आ रहे हैं, नमाज से आ रहे हैं, आप मुसलमान हैं, नमाज से गाफिल हैं, आप मोमिन हैं, नमाज से गाफिल हैं, इल्लल्लज़ीन आमनू, तुम्हारी दावे ईमान की दलील है, 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 और तुम्हारी दावे ईमान की दलील है, इसलिए कि फरिश्तों की जमात रब की इबादत के लिए थी, तुझे पैदा किया इंसान, अल्लामा इकबाल कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना ताकत के लिए कुछ कम न करो, कुछ लोग इसको कर लो बयान, अब पूछिए मतलब क्या है, हा हा हाजरी ये कर लो बयान नहीं है, कर लो फारसी का एक लफ्ज है, उसी की जमा में है कर लो बिया, कर लो कहते फरिश्ते को, अब कर लो बिया फरिश्तों की जमात को, इकबाल कहते हैं दर्दे दिल के वास्ते, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, हमारा बाप हमारे पास मां हमारे पास बीवी हमारे पास बहन हमारे पास भाई हमारे पास चाची हमारे पास खाला हमारे पास फूफी हमारे पास चाचा हमारे पास पड़ोसी हमारे पास रिश्तेदार, इतने रिश्ते हैं, बाप से मोहब्बत का रिश्ता, मां से मोहब्बत का रिश्ता, बेटों से मोहब्बत का रिश्ता, ये जो दर्द दिल है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, ये जो दर्द दिल है, ये दर्द दिल फरिश्तों को नहीं मिला, ये दर्द दिल का खजाना फरिश्तों को नहीं मिला, ये इंसान बेटा है, माँ के लिए दर्द पैदा कर, माँ है बेटे के लिए दर्द पैदा कर।